Important questions for competitive exams. Subscribe the channel Physics Formation. Learn with us and crack the exams. जय माँ भारती दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन है ए 4 मास, बी 2 मास, सी 5 मास, डी 6 मास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6 मास। आपका दूसरा प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? आपके ऑप्शन है ए 321 द्वीप, बी 443 द्वीप, सी 324 द्वीप, डी 550 द्वीप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 324 द्वीप। आपका तीसरा प्रश्न है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए कैंसर, बी शुगर, सी पारिया, डी मलेरिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पारिया। आपका चौथा प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। आपका पांचवा प्रश्न है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? आपके ऑप्शन है ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी ऑर्गन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। आपका छठा प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आपके ऑप्शन है ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी ऑर्गन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑर्गन। आपका सातवां प्रश्न है, औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 4 मीटर, बी 5 मीटर, सी 5.5 मीटर, डी 7 मीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5.5 मीटर। आपका आठवां प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी ने, बी भारत ने, सी जापान ने, डी रूस ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्मनी ने। आपका नवा प्रश्न है, लाल नदी किस देश में बहती है? आपके ऑप्शन है ए भारत में, बी चीन में, सी वियतनाम में, डी मलेशिया में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वियतनाम में। आपका दसवां प्रश्न है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? आपके ऑप्शन है ए मैट्रिक का पेड़, बी देवदार का पेड़, सी शीशम का पेड़, डी बरगद का पेड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैट्रिक का पेड़। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 52 सेकंड, बी 42 सेकंड, सी 65 सेकंड, डी 60 सेकंड।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 65 सेकंड। आपका 12वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 52 सेकंड, बी 42 सेकंड, सी 65 सेकंड, डी 60 सेकंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 52 सेकंड। आपका 13वां प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? आपके ऑप्शन है ए केचुआ, बी ज्याली, सी शार्क, डी घोंघा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी घोंघा। आपका 14वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम रूपा किसने रखा था? आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी शेरशाह, सी जहांगीर, डी हुमायूं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेरशाह। आपका 15वां प्रश्न है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए भारत को, बी कनाडा को, सी जापान को, डी इंडोनेशिया को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जापान को। आपका 16वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? आपके ऑप्शन है ए 5 राज्य, बी 6 राज्य, सी 7 राज्य, डी 8 राज्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 राज्य। दोस्तों, आप अपने प्यारे भारत देश से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका 17वां प्रश्न है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके ऑप्शन है ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी उर्दू, डी फारसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उर्दू। आपका 18वां प्रश्न है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए जयपुर को, बी उदयपुर को, सी रायपुर को, डी रामपुर को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उदयपुर को। आपका 19वां प्रश्न है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए कैंसर, बी सुगर, सी पथरी, डी पेट दर्द। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पेट दर्द। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2 शेर, बी 4 शेर, सी 6 शेर, डी 8 शेर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 शेर। दोस्तों, ये थे आज के हमारे 15 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके प्रश्न एवं उनके उत्तर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। और एक प्रश्न आपके लिए है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए आम को, बी सेब को, सी पपीता को, डी नारियल को। दोस्तों, इसका सही जवाब पता करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भारती।